अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी मकबूल। आज के इस DIY में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गरारे बनाने की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका। फुल ट्यूटोरियल है प्रोफेशनल स्टाइल में, सो लेट्स बिगिन टुडेज DIY। ये देखिए व्यूवर्स, हमने कपड़ा फैला लिया है। हम सबसे पहले नीचे वाली साइड की जो हमने घूम लेने होते हैं वो लेंगे। वो हम ले रहे हैं 27 डबल में। ये हमारे पास डबल में कपड़ा है, 27 इंच इसकी हमने विड्थ ली है। और जो इसकी हम लेंथ लेंगे वो हम लेंगे तकरीबन 17 to 18 इंचज तक। देख लें, हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखें, ये हम एक स्ट्रेट कट का निशान लगा रहे हैं। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं या इंची टेप की मदद से, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से निशान लगा लें। और उसको स्ट्रेट वे में कट करना है। ये देखें, हमने स्ट्रेट लेंथ और विड्थ इसकी कट कर ली है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें चुने किस तरह से देनी है। इस तरह से आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी दे सकते हैं, या हाथ की मदद से चुने दे सकते हैं, या बड़ा बखिया करके मशीन का अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे आपने पैंटी स्टिच करनी है उसके हिसाब से आप चुने दें। अब मैं आपको पैंटी की कटिंग बताती हूँ, जो इसके ऊपर वाली पैंटी की कटिंग होनी है वो किस तरह से होगी। ये हमने पैंटी का पीस लिया है। ये हमारे पास चार लेयर्स हैं जो हमने फोल्ड की हुई है। ये देखें, ये हमने लाइनिंग ली है। ये हमारे पास जो कपड़ा है ये बनारसी है। अगर ये हम बच्चों को पहनाएंगे तो ये उन्हें चुभेगा, इस वजह से हम इसमें लाइनिंग भी अटैच करेंगे। इसकी हम ये लेंथ लेंगे अबाउट 13 इंचेस तक, 13.5, और जो विड्थ है वो हम अबाउट 10 इंचेस तक ले रहे हैं, 10 to 11। आप देख लें, आपके बेबी की जितनी भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, अब हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। हम इधर तकरीबन 9 इंचेस के बाद निशान लगाएंगे एक। और नीचे से ये देखिए, हम कर्व टाइप में, कर्व शेप जो है उसमें हम 3 इंचेस तक निशान लगाएंगे। ये हमारी पैंटी की आसन है। और यहाँ से एक गोल निशान ऊपर को, जहाँ हमने निशान लगाया था 3 इंचेस के गैप से, वहाँ तक ले जाएंगे। ये देखें, अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कि किस तरह से कट होगा ये लाइनिंग, और इस कपड़े में हम कट कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। ऊपर की साइड पे इसमें आसन की कटिंग होती है, और नीचे की साइड यहाँ पे आप इसके सेंटर में टक का निशान लगा लें। इस तरह से आपको इसकी जो नीचे की फ्रिल होती है वो लगाने में आसानी रहती है, यानी चुने देने के बाद उसे गोल सिलाई में एक दफ़ा लगाने में आपको इसमें बहुत आसानी रहेगी। ये हम नेफा बनाएंगे ऊपर की साइड पर। ये हम आपको 6 साल की बच्ची का नाप बताया है आज हमने आपको गरारे का। इसमें हम लेस वगैरह लगा के इसकी डिजाइनिंग को, इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, जो नीचे का पैंटी वाला नीचे का पीस है, इस पे हमने चुने दे ली हैं। ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं, हमने ये हाथ की मदद से चुने दी हैं करीब करीब। ये हमने पैंटी के हिसाब से दिए हैं, यानी उसकी जितनी विड्थ है उस हिसाब से। ये देखिए, हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसकी साइड में इसकी सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसे पेंटी पीस के साथ अटैच करेंगे, वो हम आपको करके दिखाते हैं। व्यूवर्स, अब हम दोनों आसन के हिस्से एक साथ सिलेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर गोल सिलाई लगाएंगे, इस तरफ से सिर्फ। नीचे वाली साइड जो हल्का सा कट है, इस पर अभी सिलाई नहीं लगानी। जो ये साइड है इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से जो लाइनिंग हमने इसकी कट की थी, इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसका एक साथ नेफा करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैंने दोनों पीसीस को, लाइनिंग और ऊपर वाले पीस को जो हमने मेन लिया है उसको हमने स्टिच कर लिया है।
आपस में इसकी, और अब हमने इसका नेफा भी बना लिया है। अब स्टिचिंग इसकी कुछ इस तरह से करनी है कि नीचे की साइड जो हमने कट लगाए थे, ये दो कट वी शेप में, इनको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये नीचे वाली जो इसकी फ्रिल लगानी होती है गरारे की, वो लगाएंगे। वो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमने ये गरारे की स्टिचिंग कर ली है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसके बॉर्डर पे लेस लगा ली है जैसा कि आपको बताया था। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय खुशी मकबूल। अल्लाह हाफिज़।